चलिए हमारे सामने ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। क्या दिया है कि एबीसी हमारे पास, एबीसीडी एक हमारे पास क्वाड्रेटर मिला हुआ है जहां पे एडी और बीसी बराबर है, यानी ये वाला एडी और ये बीसी हमारे पास बराबर है। और क्या दे रहा है कि एंगल डी ए बी, डी ए और बी यानी इस पूरे एंगल की बात हो रही है, डी ए बी सी बी ए के बराबर है। ये सी बी ए यानी एंगल ए, ऐसे बोले तो एंगल ए पूरे एंगल बी के बराबर है। और हमें क्या क्या प्रूफ करना है? पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के, यानी ए बी डी इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। और किसके किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो बी ए सी के, बी ए सी यानी इस वाले के बारे में बात हो रही है। दूसरा कह रहा है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये जो हमारा बी डी है इस वाले ए सी के बराबर होगा। तीसरा हमें कह रहा है कि ए ए बी डी बी ए सी के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए बी और डी है, यानी ये वाला एंगल किस वाले एंगल के बराबर होगा? तो बी ए सी के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, इस क्वाड्रेटल में से उस ट्रायंगल को हम लोग एक बार बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकाल लेंगे तो शायद हमको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले कह रहा है ए बी डी, चलिए निकालते हैं ट्रायंगल ए बी डी को। कुछ ऐसे करके फिगर है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हमारा हो गया डी। और क्या कह रहा है कि बी ए सी को, बी ए सी को, चलिए हम लोग बी ए सी को निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। बी ए सी ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी हो गया। चलिए एडी जो है, ये वाला एडी जो है हमारे बीसी के बराबर दिया हुआ है। और क्या है, एंगल ए जो है वो पूरे एंगल बी के बराबर है, एंगल ए जो है वो पूरे एंगल बी के बराबर है। चलिए एक और चीज आप लोग यहाँ पे कॉमन देख रहे होंगे कि साइड ए बी इस वाले भी ट्रायंगल में है, साइड ए बी इस वाले ट्रायंगल में है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए बी दोनों क्या है, बराबर है। अब चलिए, अब ये हमारे लिए आसान हो गया। जब हमने ट्रायंगल को अलग अलग कर लिया तो ये हमारे लिए आसान बन चुका है। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ध्यान देते चलिए क्या क्या हमें मिल गया। तो पहले तो हमें ए बी, ए बी दोनों इक्वल मिल गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, यानी ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। आगे क्या मिल गया हमें, बी ए डी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए या ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी भी लिख सकते हैं। आगे आगे हमें क्या मिल गया, ये कहाँ है, तो ये हमें मिल चुका है गिवन से, ये गिवन में आपके दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे हमें मिल गया क्या, तो ये ए डी यानी ये वाला ए डी किसके इक्वल मिल गया, बी सी के इक्वल मिल गया। ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे बी सी के इक्वल मिल गया, यानी ए डी इक्वल टू बी सी के इक्वल मिल गया। ये भी कहाँ से मिला हुआ है, ये भी हमारे पास गिवन में दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। तो हमारे पास मिल गया साइड मिल गया, एंगल मिल गया और साइड मिल गया है। तो हम कह सकते हैं एस ए एस क्राइटेरिया से, बाई एस ए एस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी जो है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। वो दोनों क्या मिल गया हमें, हमारे पास। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या मिल जाए, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है कि बी डी और ए सी बराबर है। अभी बताया कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए तो कॉन्ग्रुएंट, जब आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसको लिखते समय कुछ सावधानियां होती है, उनको आप बरतिएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे हमें ये जो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो यहाँ पे बी डी पीछे से, बी डी यहाँ पे पीछे से ए सी, यानी कि बी डी इक्वल टू ए सी मिल गया। कहाँ से मिला, तो चूंकि ए बी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के, एंड वी नो डैट, एंड वी नो डैट, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि बाई सी पी सी टी, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, यानी
corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle by CPCT, BD is equal to AC. मिल गया। अब दूसरा क्या कर रहा है कि एंगल ABD, एंगल ABD BAC के इक्वल है। देखिए तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है ABD BAC। अच्छा क्या यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर। चूंकि क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC, so by CPCT angle ABD, ध्यान दीजिए जिस फॉर्म में इधर लिखेगा उसी फॉर्म में इधर लिखेगा, एंगल ABD किस एंगल के बराबर होगा, BAC के बराबर होगा। ये हो जाएगा। चलिए ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन गया।